डिफरेंट है, दो डिफरेंट सेक्शन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखेंगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल होती है तो डायपोल के दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स इन इक्वल मैग्नेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा इसका मतलब कि वो लीनियर मोशन नहीं करेगी, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है बट नॉट अ कोलिनियर। कल मैंने ऐसे डायग्राम बनाई थी, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये ओरिजिन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वेक्टर पी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई, तो यहां लगने वाली फोर्स ई इंटू क्यू, यहां लगने वाली फोर्स माइनस ई इंटू क्यू। ओके, मैग्नेट दोनों की इक्वल है, इसकी मैग्नेट इक्यू, इसकी भी मैग्नेट क्या लिखेंगे इक्यू, तो वेक्टर फॉर्मेट है तो डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, सो रिजल्टेंट जीरो। लेकिन ये दोनों कोलिनियर नहीं है, ये यहां लगेगा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, मतलब रोटेशन मोशन मिलेगी। और रोटेशन मोशन कब मिलती है, जब टॉर्क अप्लाई होता है। तो कल कैलकुलेशन की टॉर्क की वैल्यू आई पी साइन थीटा, ये टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ओके, और बाद में डिफरेंट एंगल थीटा इक्वल टू जीरो, टॉर्क इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 90, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, मतलब टॉर्क मैक्सिमम। यहां तक कंप्लीट किया था। सेकेंड पॉइंट था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ओके, एज फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज होती है, इस डायरेक्शन में फील्ड ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म है, और यहाँ फील्ड लाइन नजदीक है, मतलब फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ फील्ड लाइन सेपरेट है तो फील्ड की इंटेंसिटी कम है। सपोज इसके अंदर एक डायपोल रखेंगे, ऑलवेज फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एरो इस तरह से बताया, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या होगा नेगेटिव। सपोज सिमिलरली मैंने यहाँ प्लस क्यू रखा और यहाँ माइनस क्यू रखा, प्लस से माइनस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, सिमिलरली माइनस से प्लस पे भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन ये डायपोल इसी डायरेक्शन में आगे जाएगी। क्यों ऐसा, तो इधर की इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ की इंटेंसिटी कम है, इधर की इंटेंसिटी कम है मतलब ये कम अट्रैक्टिव फोर्स देगा और ये ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स देगा, और इसलिए वो लीनियर मोशन करेगी। लास्ट में मैंने कॉम वाली, आपको प्लास्टिक कॉम और पीस ऑफ पेपर वाली एग्जाम्पल बताई थी कि छोटे छोटे आप कागज के पीस करेंगे, पेपर के पीस रखेंगे तो इंडिविजुअल डायपोल की तरह वो बिहेव करता है। और प्लास्टिक कॉम, सपोज ड्राई एयर के अंदर हम रब करेंगे और उसको पेपर के नजदीक लाएंगे तो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सबसे पहले लीनियर मोशन करेंगे और रोटेशनल मोशन भी करेंगे। मतलब दो पॉइंट, मेन दो पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल लीनियर मोशन नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन, बट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल लीनियर मोशन भी करेगी और रोटेशनल मोशन भी होगा। क्लियर, तो ये पॉइंट लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किए थे, आज टॉपिक चेंज होगा, टॉपिक नंबर कौन सा होगा, 1.13 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब तक जो भी हमने कंप्लीट किया था वो चार्ज से, मतलब सिंगल चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, इस तरह से था, लेकिन फील्ड की अरेंजमेंट नेचर के अंदर तो बहुत सारी है। सपोज किसी लीनियर ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो सिस्टम लीनियर सिस्टम होगी, किसी सरफेस के, एज फॉर एग्जाम्पल बॉर्ड के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, बॉर्ड के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसका मतलब ये टू डायमेंशन बॉर्ड होगा तो टू डायमेंशन सिस्टम मिलेगी, किसी थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो सिस्टम थ्री डायमेंशन भी होगी। तो उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बताया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत शॉर्ट में कंप्लीट किया है, लेकिन ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, सबकी फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन,
प्रॉपरली याद रखना है, और बाद में तीनों डिस्ट्रीब्यूशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमको याद रखनी है। क्लियर? मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा वो सिंगल क्वेश्चन आपको पता चल गया तो बाद में बाकी सब समझ में प्रॉब्लम नहीं होगा। एस फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसा वायर है जिसकी लेंथ एल, इस वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये वायर के ऊपर क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, और उस इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब समझ इस वायर के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, आप इसके एक एक सेंटीमीटर वाले एलिमेंट कंप्लीट करेंगे, समझ एक सेंटीमीटर छोटे छोटे एलिमेंट बनाओ उसके वन सेंटीमीटर वाले और चेक करो हर एलिमेंट में इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज है तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। फर्स्ट सेंटीमीटर में 10, सेकंड में 10, थर्ड में 10, हर एक सेंटीमीटर में इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। बट हर एक सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिफर है तो नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? याद रहेगा? ओके, तो इससे सबसे पहले उसने लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा करके लिखा जाता है, लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। सपोज मान लो कि यहाँ टोटल चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है और इसकी टोटल लेंथ एल है, सो क्यू बाय एल ये फॉर्मा हुई लीनियर चार्ज डेंसिटी की, इसके ऊपर जितने भी चार्ज है डिवाइड बाय टोटल लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बताया जाता है। फिर से डेफिनेशन बता रहा हूं, ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, फॉर्मूला क्या हुई क्यू बाई एल, चलो यूनिट बताओ सर, कूलम्ब अपॉन मीटर। ओके, कूलम्ब अपॉन मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है सी, कूलम्ब अपॉन मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला, एक मिनट, दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। एल माइनस वन कूलम्ब के लिए एम जीरो होगा, एम जीरो एल जीरो, एल माइनस वन, एल माइनस वन। ओके, डायरेक्टली बता तो बराबर है, चलो एक मिनट में पूरी लिखी, एम जीरो एल जीरो लीनियर चार्ज डेंसिटी की। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैं इधर लिख रहा हूँ ना, वो यहाँ हम जो लिखेंगे डिफरेंट तीन डेफिनेशन, तीन फॉर्मूला, तीन यूनिट और तीन डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर? फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ओके, तो फॉर्मूला भी हो गई। थर्ड पॉइंट, यूनिट क्या होगी, सो कूलम्ब अपॉन मीटर। क्लियर? And fourth point, dimensional formula क्या होगी, so m0 l minus 1 t1 a1, okay? clear हो गया? चलो अब इसकी electric field की formula, देखो text में directly electric field की formula उसने लिख के दी है, लेकिन कभी कभी वो दो marks के question में आपको completely लिख के देना पड़ता है, okay? तो कैसे, तो देखो इसके electric field check करने के लिए यहाँ एक हम test charge रखेंगे, पहले भी हमने जब electric field पढ़ा था तब बताया था, okay? कि जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको एक टेस्ट चार्ज रखना है। ओके, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ ड्रॉ करूंगा, दिस एलिमेंट की लेंथ डी एल, दिस एलिमेंट की लेंथ को क्या बताऊंगा, डी एल या डेल्टा एल, जो भी लिखना है लिख सकते हैं डी एल या डेल्टा एल। ओके, अब दोनों की पोजिशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों की पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते, जहां भी आपको ये आर और ये आर डैश, फील्ड कहां फाइंड करनी है, यहां
ओके, और इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ है? वो वायर के ऊपर. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड है किससे? डेल्टा आई या डीएल से, जो भी लिखना लिख सकते हैं. ओके, डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज लिखें तो डीएल करना पड़ेगा. ओके, चलो क्या लिखेंगे? फील्ड की फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो के यहाँ वाली जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू. ओके, किस पोजीशन वेक्टर पे आपको ये कैलकुलेट करना है? आर या आर डेस जो भी है, किस पोजीशन वेक्टर पे आपको कैलकुलेट करना है? क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ओके, एक काम करते हैं, ये आर लिखते हैं, ये दोनों के बीच आर डेस लिखते थे, तो इजीली कंप्लीट हो जाए. आर डेस स्क्वायर, आर डेस स्क्वायर इनटू आर डेस कैरेट. फिर से बता रहा हूं, फील्ड की फॉर्मूला होती है इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेक्टर में लिखना है तो इनटू आर कैरेट. ओके, पहले के लिखा, स्मॉल एलिमेंट की चार्ज डेल्टा क्यू लिखी, ये दोनों के बीच के वेक्टर को आर डेस लिखा, आर डेस कैरेट. क्लियर? अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है कि इन टोटल लेंथ एल, इन टोटल लेंथ एल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, सो इन डेल्टा एल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल क्यू अपॉन एल, हो सकता है ऐसा? ओके, और इस तरह से नहीं लिखना है तो और एक चीज सिंपल, चलो इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज करो. इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा, सो डेल्टा एल के लिए कितना होगा? क्लियर? इजी रहेगा. इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा, डेल्टा एल के लिए कितना होगा? आंसर मिल गई. चलो यहां ऐड कर देते हैं, के लैम्डा डेल्टा एल आर डैश कैरेट अपॉन आर डैश स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर. तो ये क्या मिला? स्मॉल एलिमेंट्स, इस पॉइंट पे मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल एलिमेंट्स यहां मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड. पूरे वायर से चाहिए तो, जब पूरे वायर से चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर होल लेंथ K लैम्डा, डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा? डी एल आर डे स्क्वायर आर डे स्क्वायर. ओके, तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन से गिवन पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. अच्छा, मैं आपको टेक्स्ट में बता रहा हूँ, टेक्स्ट में ये लिखा कहाँ है? टेक्स्ट में सबसे पहले उन लोगों ने सिग्मा एक्सटेंड किया, मतलब सरफेस, उसके बाद लैम्डा एक्सटेंड किया, उसके बाद वॉल्यूम एक्सटेंड किया, बराबर है ऐसा कुछ? और जो फॉर्मूला लिखे दी ओनली एंड ओनली वॉल्यूम के लिए दी, बाकी सबके लिए नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताया? वॉल्यूम के लिए. उन लोगों ने क्या था, वॉल्यूम से, वॉल्यूम के लिए जिस तरह की एक्सप्लेनेशन है सिमिलरली लेंथ के लिए लिख दो और सरफेस के लिए लिख दो. लेकिन ये पॉसिबल अब समझ, मान लो कि मैंने लेंथ के लिए लिखना है तो ऐसा कुछ टेक्स्ट में लिखा है, चेक करो, नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर इस तरह का नहीं है. लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक्सप्लेन द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह की क्वेश्चन 2 मार्क्स में रखी है. ओके, तो इस तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा. फिर से इन टू डायमेंशन सिंगल वायर ऑफ लेंथ एल विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नाउ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर इज डेल्टा एल, द पोजिशन वेक्टर, द पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर नहीं लिखे तो चलेगा, यार्ड एस या यार किया. ओके, कुछ भी डिफरेंट साइन लिखना तो लिख सकते हैं, इसकी यूज नहीं है. ओके, फिर से पोजिशन वेक्टर ऑफ एलिमेंट एस. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट गिवन पॉइंट, द पोजिशन वेक्टर फ्रॉम पोजिशन वेक्टर ऑफ
given point from origin is a vector r, and the distance between element and point is vector r dash. So now electric field due to small element delta E is equal to K, electric charge delta Q, distance r dash square into r dash caret, इस फॉर्मूला से मैंने लिखा, ओके? अब मुझे डेल्टा क्यू रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला यूज करेंगे, इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा, सो नाउ इन डेल्टा एल डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा एल, ये वेरिएशन यहां ऐड कर दो, ओके? तो ये तो सिर्फ स्मॉल एलिमेंट की फील्ड हुई एट अ गिवन पॉइंट, पूरे वायर के लिए मतलब फील्ड चाहिए, पूरे वायर की फील्ड उसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब ऐड करना, हर एलिमेंट की फील्ड को ऐड करना. सो नाउ टोटल फील्ड एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल के लैम्डा डी एल इनटू आर कैरेट सॉरी आर डैश कैरेट अपन आर डैश स्क्वायर. इस तरह के तीन क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, पहले लीनियर के लिए हुआ, बाद में सरफेस के लिए लिखेंगे और सिमिलरली वॉल्यूम. जो मैंने एक्सप्लेन किया इसमें कोई डाउट है अभी? नो सर. बाकी सबको तो उसके बाद मैं सरफेस के लिए एक्सप्लेन कर दूं और वॉल्यूम भी एक्सप्लेन कर दूं. पूरा एक बार टॉपिक कंप्लीट हो बाद में आप उसको 1.13 टेक्स्ट बुक से पढ़ना है. क्लियर? ओके चलो सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट जो लिख के दिया वो सरफेस के लिए दिया. फॉर एग्जांपल इस टाइप की सरफेस, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है. सरफेस में इलेक्ट्रिक चार्ज से हम क्या करेंगे? सरफेस को एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एक छोटा सा एलिमेंट देखो, यहां एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे. उस एलिमेंट की जो एरिया है उसको लिखेंगे डेल्टा एस. क्या लिखेंगे? डेल्टा एस डेल्टा ए जो भी लिखना है. एरिया के लिए एस और ए दोनों साइन यूज हो सकती है. डेल्टा एस. ओके चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा और इसके लिए फॉर्मूला है क्यू अपॉन एस या क्यू अपॉन ए. हाँ टेक्स्ट में या डेल्टा भी होगा तो भी चलता है, विदाउट डेल्टा भी लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया. यहाँ क्या बोलते थे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ. यहाँ क्या बताए? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. बोलिए सर. हम एरिया बोलते तो ए भी लिख सकते हैं ना? साइन से मैंने पहले तो बताया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है. आप ए लिखो एस लिखो जो भी चलेगा. टेक्स्ट बुक में एस लिखा इसे मैंने एस करके लिखा. जब आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए. क्लियर? ओके नाउ इसकी यूनिट कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर. कूलम बाय मीटर स्क्वायर. ओके नाउ डैमेज का फॉर्मूला m0 l minus 1 t1 a1. फिर से m0 l minus 2 l minus 1 square t1 a1. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला q by s या q by a. ओके यूनिट कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर एंड डैमेज ऑफ फॉर्मूला m0 l minus 2 t1 a1. ओके चल अब ये थ्योरी कंटिन्यू करते हैं. इन गिवन डायग्राम uneven surface distributed in small element. Now the one element is delta S, shown in figure. Position vector of delta S is vector S from origin. Now find electric field at point Q with position vector R. हम Q point पे electric field find करना चाहते हैं, जिसके position vector क्या है? The position vector between delta S and Q is R dash.
So now electric field due to small element. Electric field due to small element of surface. This delta E is equal to K delta Q R dash caret upon R dash square. ये form में कुछ change नहीं होगा क्योंकि इस element के अंदर भी electric charge को हम delta Q ही लिखते हैं, इसलिए change नहीं होगा. लेकिन जब delta Q substitute करना है definition change हो जाएगी. In unit area, पहले length लिखते थे, अब क्या लिखेंगे? Area. In unit area, electric charge sigma, पहले lambda लिखते थे, अब क्या लिखेंगे? Sigma. In unit area, electric charge sigma. So now in delta S क्या लिखेंगे? Sigma delta S. तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा हम. Delta E is equal to K. सिग्मा डेल्टा एस आर डैश करेक्ट अपन आर डैश स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट क्यू. ओके नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल सरफेस तो सभी एलिमेंट की फील्ड एड करेंगे और सभी एलिमेंट की फील्ड ऐड करेंगे मतलब E is equal to integration for whole surface मतलब S चेंज क्या होगा K सिग्मा डेल्टा S की जगह क्या लिखेंगे ds r dash करें अपन r dash square. मैंने आपको अलग पेंसिल से लिख के दिया पता चलेगा फर्स्ट और सेकंड थ्योरी चेंज क्या करना है. क्लियर फर्स्ट थियरी और सेकेंड थियरी में चेंज कितना होगा वो लिख के दिया है. ओके कभी कभी यहाँ k इज इक्वल टू 1/4π ε₀ लिखना तो भी लिख सकते हैं so, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें कोई डाउट पहले किसी लीनियर के लिए था अब सरफेस के लिए हमने लिखा इसमें कोई डाउट है क्योंकि कैलकुलेशन के मेथड में कोई चेंज नहीं है. देखो डायग्राम में हमने वायर की जगह सरफेस ड्रॉ कर दी. ओके स्मॉल एलिमेंट को डेल्टा एस कर दिया चार तो डेल्टा क्यू ही है. ओके फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाली डेल्टा ई इज इक्वल टू के डेल्टा क्यू आर डैश कैरेट अपॉन आर डैश स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट क्या करना है डेल्टा क्यू मतलब स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक चार्ज तो ये वाली फॉर्मूला यूज करिए. इन यूनिट एरिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सिग्मा सो इन डेल्टा एस टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस. ओके और ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दो सो नाउ के सिग्मा डेल्टा एस r dash caret upon r dash square a small element ki field hui at point q. now the electric field due to whole surface usko integrate karna padega matlab add karna padega so now e is equal to integration for whole surface k sigma ds ds cube delta le likh sakte r dash caret upon r dash square. क्लियर तो ये सेकंड थियरी थी फॉर सरफेस. अब थर्ड के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मतलब वॉल्यूम तीनों हो जाए तो मेन चीज तो मैंने यहां सेपरेटली लिखी थी वो याद रखनी चाहिए. तीनों की डेफिनेशन तीनों की यूनिट फॉर्मूला और डायमेंशन फॉर्मूला. ओके नाउ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम मतलब थ्री डायमेंशन एक ऑब्जेक्ट होगी जो ऑब्जेक्ट यहां हम ड्रॉ करेंगे. Suppose, इस तरह की अनइवन ऑब्जेक्ट है थ्री डायमेंशन. अब थ्री डायमेंशन होगी जब उसको एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट अरे एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लेंथ के हिसाब से इसको हम एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्रेथ के हिसाब से इसको एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हाइट के हिसाब से एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसका मतलब इसका जो स्मॉल एलिमेंट है वो यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्मॉल एलिमेंट क्यूब होगा. इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होगा क्यूब क्योंकि थ्री डायमेंशन में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना लेंथ ब्रेथ और हाइट. ओके तो ये जो है इसकी वॉल्यूम डीवी थ्री डायमेंशन है
मतलब क्या लिखेंगे, वॉल्यूम डीवी, बाकी डायग्राम वही है इन टू डायमेंशन, अनइवन ऑब्जेक्ट हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट इन स्मॉल एलिमेंट, सो वन स्मॉल एलिमेंट इज शोन इन फिगर इज अ विथ वॉल्यूम, सॉरी वन एलिमेंट शोन इन फिगर विथ वॉल्यूम डीवी, ओके, द पोजिशन वेक्टर ऑफ of small element is S. Now electric field, you get electric field at point Q, Q point with position vector R, and the distance between small element and given point Q is the R dash. Okay, अब हमको यहाँ वो वाली formula complete करनी है. Amount of electric charge. Amount of electric charge per unit volume. Amount of electric charge per unit volume is called volume charge density. Amount of electric charge per unit volume is called volume charge density. And the unit is coulomb upon meter cube. Okay, what is the dimension formula? M0 L minus 3. क्लियर, ये डायमेंशन फॉर्मूला, ये जो इंफॉर्मेशन है ये मार्च 2020 में पूछा था बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये मतलब ये तीनों डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन होगी, तीन फॉर्मूला होगी, तीन यूनिट होगा और तीन डायमेंशन फॉर्मूला, ये पोर्शन प्रॉपरली याद रखना है, हो सकता है सिर्फ इतना लिखना भी टू मार्क्स में आ जाए, लीनियर वॉल्यूम एंड सरफेस का डेंसिटी डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिखो तो भी टू मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट, ओके, तो इसको प्रॉपरली याद रखना है. चलो हम थियरी कंटिन्यू करते हैं. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू के डेल्टा क्यू आर डैश कैरेट अपॉन आर डैश स्क्वायर, कॉमन फॉर्मूला, ओके. अब मुझे क्या ऐड करना है, डेल्टा क्यू. सो अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला इन यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर रो इन यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रो. सो नाउ इन डेल्टा वी, सो डेल्टा वी लिखे वॉल्यूम डेल्टा वी, तो लिखे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डेल्टा वी और ये वैल्यू ऐड करेंगे. सो नाउ डेल्टा ई इज इक्वल टू के रो डेल्टा वी आर डैश कैरेट अपॉन आर डैश स्क्वायर, आर डैश कैरेट अपॉन आर डैश स्क्वायर. सो नाउ ई इज इक्वल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल ऑब्जेक्ट एट पॉइंट क्यू, सो ई इज इक्वल इंटीग्रेशन फॉर होल वॉल्यूम के रो डेल्टा वी आर डैश स्क्वायर, सॉरी आर डैश कैरेट अपॉन आर डैश स्क्वायर. क्लियर, और ये चीज आप चेक करो कि आपको उन लोगों ने पेज नंबर 33 पे ये लिख के दिया है रो डेल्टा वी अपन आर डैश कैरेट अपन आर डैश स्क्वायर. बराबर, यस, 1.13 नंबर पूरा कंप्लीट करो, 1.13. क्लियर, और ये सब चीज याद रखना है, जहां जहां यूनिट लिखी है वहां डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला आप लिख लो, ओके. और आपको इसकी डेफिनेशन तो पता चल जाएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. चलो 1.13 एक बार कंप्लीट करो, प्रॉपरली इसको पढ़ लो.
थर्ड है ओके कंप्लीट यस यूनिट के बाद एपिसोड फॉर्मूला लिख लेनी है बराबर ओके यहां से टॉपिक चेंज होगा 1.13 में सिर्फ इतना था सिर्फ और सिर्फ लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यहां लिख के दिया था ओके अब चैप्टर की लास्ट टॉपिक है ऐसे तो उन लोगों ने 1.14 1.15 और 15 में बाद में 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया है लेकिन ये जैसे लास्ट टॉपिक जैसा है कि गॉस इक्वेशन गॉस लॉ ऐसा लिखा हुआ सबसे पहले तो आज सिर्फ रूल पढ़ेंगे और उसकी जो एप्लीकेशन है वो बाद में पढ़ेंगे आज सिर्फ रूल गॉस लॉ क्या है गॉस इक्वेशन क्या है कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा वो सब चीज आज कंप्लीट कर लेंगे ओके आज की एप्लीकेशन क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे डिफरेंट फोर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस इक्वेशन एज फॉर एग्जाम्पल की उसने डायग्राम के अंदर एक स्फीयर ड्रॉ करके दिया ओके इस स्फीयर के लिए रेडियस सपोज स्फीयर की रेडियस आर है स्फीयर की रेडियस आर ओके यहां स्मॉल एलिमेंट मैंने ड्रॉ किया स्फीयर के ऊपर एक छोटी सी सरफेस मैंने ड्रॉ की उस स्फीयर के मतलब सरफेस के लिए एरिया डेल्टा एस सेकेंड स्फीयर के ऊपर सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये फील्ड की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी उसी डायरेक्शन के अंदर एरिया वेक्टर भी होगा बीएसपी उसी तरह होगा ऐसा क्यों इसलिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है इसके अंदर फील्ड होगी ऐसा मैंने ड्रॉ करके दिया ओके नाउ चलो फ्लक्स की फॉर्म में फ्लक्स एसोसिएटेड विद गिवन सरफेस फ्लक्स एसोसिएटेड विद गिवन सरफेस इस सरफेस के साथ ऐसे फ्लक्स कैलकुलेट करनी है ओके तो फॉर्मूला क्या होती है ई इंटू डेल्टा एस ई इंटू डेल्टा एस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं ई इंटू आर कैरेट क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज रेडियस के डायरेक्शन में होती है ओके इंटू क्या होगा डी एस ओके सपोज आप यहां लिखेंगे और इसको चेंज करें तो अभी दो मेथड है यहां वेक्टर नहीं लिखना है तो भी आर कैरेट चलेगा यहां वेक्टर नहीं लिखना है तो भी आर कैरेट चलेगा क्यू E और डेल्टा एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन ओके चलो ये लिखना शुरू करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज फॉर्मूला क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला क्यू क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट डेल्टा एस तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन सिक्स चैप्टर में पढ़ा था आई डॉट आई जे डॉट के इज इक्वल क्या लिख सकते हैं चैप्टर नंबर सिक्स ये तो फाइनली जितनी भी चीज लिखी थी हमने वो सब याद रखेंगे तब जाके काम में आएगा सपोज आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आर डॉट आर कैसे पता चलेगा देखो ये मान लिख रहा हूँ के क्यू अपन आर स्क्वायर आर डॉट आर की वैल्यू इससे मिलेगी बराबर तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू वन सिमिलरली आर डॉट आर वन रिमेनिंग पार्ट के क्यूब आर स्क्वायर इंटू
एक क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे डेल्टा एस, डेल्टा एस। तो ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट के साथ एसोसिएट फ्लक्स है। मुझे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करनी, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स y इज इक्वल टू समेशन, समेशन इसके लिए डेल्टा एस जैसे जितने भी एलिमेंट है सबको ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे डेल्टा एस। ओके, तो यहां के क्यू बाय आर स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, डेल्टा एस का मतलब एरिया, एरिया क्या होगी सरफेस के लिए एरिया 4πr2। एक मिनट एक मिनट, इंटू डेल्टा एस हो गया तो 4πr2, ये 4πr2 पूरे स्फीयर की आपको एरिया फाइंड करनी थी, पूरे स्फीयर के लिए रेडियस क्या होगी r, तो पूरे स्फीयर के लिए क्या होगा सर्कल के लिए πr2, लेकिन स्फीयर के लिए 4πr2 ऐसा होता है। ओके, यहां चेक करो चलो k इज इक्वल टू इस सेक्टर में इनिशियली बता k की वैल्यू 1/4π/0 4πr2 चेक करो 4πr2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विथ गिवन स्फीयर इज इक्वल टू q/ε0। क्या आंसर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विथ गिवन स्फीयर q/ε0। क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द स्फीयर, तो कॉमन फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्यू मतलब यहाँ तो सिंगल चार्ज था, इसलिए सपोज नंबर ऑफ चार्ज होते, नंबर ऑफ चार्ज तो सबकी एडिशन करनी पड़ती, इसका मतलब सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो रखना पड़ता। क्लियर, तो एक और फॉर्मूला भी लिख फ्लक्स के लिए, इसको भी बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला तो पहले भी हमने कंप्लीट की थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट किया था हमने पहले, डायपोल से पहले था। पेज टर्न करके बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, टेक्स्ट में लिखी होगी V डेल्टा S। V डेल्टा S, E डेल्टा S, V डेल्टा S, v सर, v वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं होगी, e इनटू डेल्टा s, समेशन e इनटू डेल्टा s, कहां लिख दिया बताओ, टेक्स्ट बुक के अंदर उन लोगों ने 1.12 नंबर इक्वेशन चेक करो, पेज नंबर 27, ठीक है, phi इज इक्वल टू समेशन e इनटू डेल्टा s, समेशन नहीं लिखना है तो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, समेशन नहीं लिखना है तो आप इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, 1.11 में भी है वो, डेल्टा फाई के लिए लिखा है, ये टोटल फाई के लिए लिखा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, इंटीग्रेशन ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इस कॉल फ्लक्स, पहली फ्लक्स की फॉर्मूला है, सेकेंड गॉस इक्वेशन की फॉर्मूला है, गॉस इक्वेशन की फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन क्या लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो। क्लियर, इसका मतलब इस सरफेस के साथ एसोसिएट फ्लक्स की वैल्यू, सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो और एप्सिलॉन जीरो की रेशियो बराबर होता है, इस सरफेस में जितने इलेक्ट्रिक चार्ज है वो और एप्सिलॉन जीरो उसकी रेशियो बराबर रहता है। क्लियर, तो ये उन लोगों ने टेक्स्ट में भी लिख के दिया है, मैं बता रहा हूँ कितना पोर्शन आप पढ़ेंगे, 33 नंबर वाली पोर्शन चेक करो, 33 पेज से पढ़ना शुरू करो, 1.30 नंबर इक्वेशन तक पढ़ना है, सॉरी 1.31 33 पेज से वो टॉपिक पढ़ना शुरू करो, गॉस लॉ,
और वो आप कंप्लीट करेंगे 1.31 तक। इक्वेशन तक एक बार पढ़ लो। डांसर ओके अब ये सभी चीज इसने क्लियर लिख के दिए, जो मैंने लिखा उसी तरह से उसने लिख के दिया। और उसने पहले से क्या किया कि की जगह 1/4 epsilon 0 लिखा होगा, लेकिन गॉस इक्वेशन की फॉर्मूला उसने लिख के दी phi = q/ε0। क्यों मतलब टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस और एप्सिलॉन जीरो की जो रेशियो है ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद गिवन सरफेस हो जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए आपको ये फॉर्मूला दी, टोटल चार्ज लिखा है तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये फॉर्मूला फ्लक्स की है, मतलब दोनों कंपेयर करेंगे ऐसे एक फॉर्मूला मिलेगी। अब रिमेनिंग जितनी भी थियोरी इससे कंप्लीट हो जाएगी, इसी फॉर्मूला से वो कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज और भी है, एक और एग्जाम्पल उसने दिया है कि सिलेंडर ड्रा करके दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड के डायरेक्शन है, ओके यह डिफरेंट दो सरफेस, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ओके। इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, इसकी पोजीशन वेक्टर S1 इस डायरेक्शन में, सॉरी पोजीशन वेक्टर नहीं, एरिया वेक्टर, ये जो एरिया है इसकी वेक्टर बाहर की ओर, इसकी एरिया वेक्टर S2 वो भी बाहर की ओर। ऑलवेज एरिया वेक्टर सरफेस को परपेंडिकुलर बाहर की ओर ड्रॉ किया जाता है, मतलब S1 इधर आएगा, S2 इधर आएगा। लेकिन चेक करो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ दोनों वेक्टर अपोजिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड E जितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E जितनी, पहले यहाँ phi 1 चलो फील्ड फॉर्मूला क्या लिखी थी हमने, E इंटू डेल्टा एस या ई इंटू एस तो भी चलेगा ओके, इसका मतलब ई एस कॉस थीटा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा रहेगा। अब चेक करो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई जितनी है इसी डायरेक्शन में, S1 इस डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट, मतलब कॉस 180, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180, What is the value of cos 180? मैंने फिजिक्स में पढ़ाया, केमिस्ट्री, सॉरी मैथ्स में भी सर लिखा है होगा, यूनिट सर्कल -1 ओके, cos 180 -1, सो -e into s1 नाउ सिमिलरली
phi 2 into s e into s cos theta. ओके ये तो है, s की जगह लिखेंगे s2, दोनों इक्वल डायरेक्शन में, cos 0. ओके नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? सर 1. ओके सो नाउ e into s2. ओके हमने s1 s2 तो पोजीशन के हिसाब से लिखा, वरना s1 s2 इज इक्वल टू s लिख सकते हैं, दोनों सरफेस एरिया इक्वल है. अब चेक करो, दोनों सरफेस एरिया इक्वल है तो phi 1 is equal to minus ES1, है ना, ES, phi 2 is equal to ES. चलो एक और पॉइंट यहाँ ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहाँ एक सरफेस है वो ऊपर की ओर है, इसको S3 लिखते हैं, S3, तो phi 3 is equal to क्या होगा, P into S, ES cos theta, E into S3 cos 90, क्योंकि E की डायरेक्शन इधर है, S ऊपर की ओर है, दोनों के बीच के एंगल 90. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? जीरो. जीरो, तो ये मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा. ओके सो इसका मतलब टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एसेट विथ गिवन सिलेंडर, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको ऐड करना है, सो phi 1 इज इक्वल टू माइनस ES, phi 2 इज इक्वल टू प्लस ES, एंड phi 3 इज इक्वल टू, सो टोटल एडिशन क्या हो जाएगी, जीरो. टेक्स्ट में लिख के दिया है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो. नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज, सर, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो. ओके सर, डायग्राम ऊपर ड्रॉ किया है, ये कैलकुलेशन नीचे ड्रॉ करके कंप्लीट करके दी है, बराबर. एक बार कंप्लीटली पढ़ लेना. अब मेरी बात सुनो, कल तो भी लेक्चर नहीं होगा, परसों, कल तो पेपर है, परसों होगा, तो इसी गॉस इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करेंगे और आगे इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे. आज यहाँ तक कंप्लीटली पढ़ लेना है. ओके नीचे कैरेक्टरिस्टिक लिखिए ना, 1, 2, 3, 4 करके वो नहीं पढ़नी, बस एस वन एस टू इक्वल टू एस करके जो लिखा ये वाली टॉपिक कंप्लीट कर लेनी है, बराबर. आज इतना रखेंगे.